लोग मुझे कहते हैं, मैं तो गुजरात में भी बहुत घूमा हूँ, लोग कहते हैं जी फ्री बड़े आराम से दारू मिलती है, ऐसा है क्या? और अगर बड़े आराम से दारू मिलती है तो ये वो कुछ कह रहे हैं। नहीं, कोई जरूरत नहीं है, जो आज है व्यवस्था, अगर आज यहाँ पे मद्यपान निषेध है उसको लागू रखा जाएगा, लेकिन उसको लागू किया जाएगा अभी लागू। अच्छा, आप मेरे को आपसे इतनी सीनियर पत्रकार है, आप मेरे को एक बात बताइए, लोग मुझे कहते हैं, मैं तो गुजरात में भी बहुत घूमा हूँ, लोग कहते हैं जी फ्री बड़े आराम से दारू मिलती है, ऐसा है क्या? और अगर बड़े आराम से दारू मिलती है तो ये वो कुछ कह रहे हैं, ये अगर बड़े आराम से दारू मिलती है तो ये गैर कानूनी दारू मिलती है। आप आएंगे तो क्या? मैं बताता हूँ मैं क्या करूंगा। अगर आराम से दारू मिलती है तो ये तो गैर कानूनी दारू मिलती है, क्योंकि गुजरात में तो मद्यपान निषेध है। ये सारा पैसा किसके पास आ रहा है? ये सारा पैसा जाता किसके पास है? गलत है। हम मद्यपान निषेध लागू रखेंगे लेकिन गैर कानूनी शराब बिकने नहीं देंगे गुजरात के अंदर। हम ईमानदार लोग हैं, हमारी पार्टी को गैर कानूनी शराब बेच के चंदा इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है, ईमानदार लोग। ये कुछ लोग रेवड़ी की बात कर रहे हैं, मैं बोल देता हूं। देखो, जो फ्री की रेवड़ी जनता में बांटी जाए उसको प्रसाद कहते हैं, वो भगवान का प्रसाद होता है। जो जनता में फ्री की रेवड़ी, अच्छे स्कूल बनाना, अच्छे अस्पताल बनाना, फ्री इलाज करना, फ्री शिक्षा करना, लोगों को फ्री बिजली देना, ये भगवान का प्रसाद है। लेकिन जो अपने दोस्तों को फ्री की रेवड़ी दी जाए वो पाप है। जो अपने मंत्रियों को फ्री की रेवड़ी दी जाए वो पाप है। ये लोग कहते हैं कि मंत्रियों की बिजली फ्री होगी, जनता की बिजली फ्री नहीं होगी, ये पाप है। मैं कहता हूं अगर मंत्रियों की बिजली फ्री होगी तो जनता की भी बिजली फ्री होगी। ये लोग के अपने दोस्तों के सारे लोन माफ कर देते हैं, दोस्तों के सारे पता नहीं कितने, कोई कहता इतने लाख करोड़ माफ कर दिए, कोई कहता इतने लाख करोड़ माफ कर दिए, वो गलत है, वो फ्री की रेवड़ी गलत है।